नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं भारत अफ्तार न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। इस खबर के प्रायोजक हैं मजबूत इरादा मजबूत वादा, लाला प्रधान है बेहतर ज्यादा। लाला प्रधान जिला पंचायत सदस्य बसपा प्रत्याशी वार्ड नंबर 18 बुलंदशहर को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए। बुलंदशहर में पहली बार दिल्ली और नोएडा की तर्ज पर बना रॉयल फन वर्ल्ड, अब गर्मियों की छुट्टी में करें फुल एंजॉय। बच्चे और बड़ों के लिए उपलब्ध, हमारा पता है गांव चंदेरू दिल्ली रोड NH91 बुलंदशहर। इस खबर के प्रायोजक हैं दिन हो या रात हर वक्त आपके साथ, जन जन की यही पुकार मोहम्मद अफजल अब की बात। वार्ड नंबर 18 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अफजल भाई को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाए। हापुड़ के हैंडलूम नगरी पिलखुवा के रहने वाले वैभव गुप्ता ने प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए एयर ऑर्गेनिक फ्यूरी फायर यंत्र का आविष्कार किया है। इस आविष्कार वातावरण में प्रदूषण कम होने का दावा किया जा रहा है। इसके लिए उसने ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले स्नेक प्लांट का इस्तेमाल किया है। यह प्लांट तुलसी से भी ज्यादा ऑक्सीजन देता है। यह प्लांट इंडोर में भी सुरक्षित है, इससे कम पानी की आवश्यकता रहती है। बता दें कि लॉकडाउन में घर में रहकर वैभव गुप्ता परेशान हो रहे थे, तो तभी लॉकडाउन में घर में रहकर वैभव को प्रदूषण को कम करने की जिज्ञासा उठी और फिर वह प्रदूषण को कम करने के काम में लग गए और फिर उन्होंने मेहनत करके इस यंत्र को तैयार कर लिया। इसका एक गमला 3000 गमलों के बराबर होता है। हाईवे से लेकर शहरों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए इस यंत्र का डेमो व इसकी उपयोगिता को लेकर प्रदूषण विभाग को भेजा गया। यदि यंत्र हाईवे पर डिवाइडर पर लगा दिया जाए तो सोलर पैनल के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। हापुड़ से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वैभव गुप्ता, तो किस तरह से आपने प्लांट बनाया है, क्या है? ये लॉकडाउन में हम भी खाली, दुनिया भी खाली, और प्रदूषण हटाना ही है हम सबको, तो इस सिलसिले में मैंने शुरुआत करी थी कि हम कैसे प्रदूषण कम करें। तो इसमें ऐसा सोचा कि भाई मदर नेचर क्या करती है, तो जो मदर नेचर का काम है उसे हमने टेक्नोलॉजी की मदद से थोड़ा बहुत एडवांस कर दिया। ये है हमारा इन्वेंशन। तो किस तरीके से आपने, देखिए इसमें हमने एक स्नेक प्लांट कहते हैं, ये स्नेक प्लांट तुलसी से ज़्यादा ऑक्सीजन देता है और इसे आप अपने कमरे में भी रख सकते हैं। ये इंडोर प्लांट में आता है। ये क्या करता है, जो अब नीचे इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है तो ऊपर से हवा जाती है और रूट्स के जरिए ऑक्सीजन बन के बाहर निकलती है। तो हमने वो जो नेचर का प्रोसेस है उसे बस मैक्सिमाइज कर दिया है। तो ये इस तरीके से इसका बना है। जो बॉक्स बनाया है ये हमने लोकल वेंडर से, कारीगरों से बनवाया और एग्जॉस्ट अपने आप लाके फिट किया। ऊषा कंपनी का एग्जॉस्ट है, तो मतलब एक साल की वारंटी तो एग्जॉस्ट की है। और लॉकडाउन से अब तक हमने इस पेड़ को कभी बदला नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कभी इसको बदलना हो तो पेड़ बदलिए और फिर से देनी हो, कोई फिल्टर चेंज नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो क्या नाम है? मेरा नाम लवदीन गुप्ता है, मैं इनकी वाइफ हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि इन्होंने नई टेक्निक यूज़ करी लॉकडाउन में, और हमें जब इन्होंने घर में लगाया तो हमें बहुत अच्छी फ्रेशनेस फील हुई और मेरे बेटे को भी एक नई आगे बढ़ने के लिए भी उसको लगा कि हाँ मैं अपने फादर की तरह सीखूं। तो और हमारे सरकार भी ऐसी करती, प्रदूषण के ऊपर भी नई नई चीज़ें करती रहती है, तो हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये चीज़ उन्होंने स्टार्ट करी, हम घर से स्टार्ट करी और हम चाहते हैं कि आगे भी ये चीज़ चलती रहे। हम सब ने ठाना है गांव को स्मार्ट बनाना है, ग्राम सुनहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं प्रधान पद के भावी उम्मीदवार मुशर्रत, पत्नी मोहम्मद इमरान, ग्राम प्रधान सुनहरा से। इस खबर के प्रायोजक हैं डॉक्टर शाह गुप्त रोग विशेषज्ञ, हापुड़ रोड, गुलावती, बुलंदशहर। इस खबर के प्रायोजक हैं पप्पू लोधी, भावी उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 18। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और भारत रफ्तार न्यूज की हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।